आदाब, नमस्कार। वीडियो कौन, जीना इसी का नाम है मैं। आइए मिलें आज फिर एक बहुत दिलचस्प शख्सियत से। आज जो मेहमान आने वाले हैं, उनका काम जब मैंने पहली बार देखा तो एकदम चौंक गया। मैंने कहा ये साहब का काम मैंने पहले क्यों नहीं देखा। मतलब एकदम जो है दिमाग की बत्ती झक 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 करके जलने लगी। मैं चाहता हूँ कि हम फौरन उन साहब से मिलें और उनसे देखें, उनसे पूछें, उनसे बातें करें कि आजकल किस किस का सर्किट उन्होंने फ्यूज़ किया हुआ है। मैं बुलाता हूँ, फौरन तशरीफ लाएं अरशद वारसी साहब। जनाब, मैं आपसे बहुत बातें करना चाहता हूँ, उससे पहले हम कुछ गोल्डन मोमेंट्स भी देखना चाहते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ। सच्ची बात यह है कि मुन्ना भाई MBBS से पहले मैंने आपका कोई काम नहीं देखा था। और वाकई मुन्ना भाई नहीं सर, बहुत से लोगों ने देखा था, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, फला फिल्म उसमें भी बहुत अच्छा था। और जब मैंने आपका काम देखा तो मुझे वाकई मतलब बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ कि मुझे दिली अफसोस हुआ कि यार ये आदमी इतना अच्छा काम करने वाला, मैं इनका काम पहले क्यों नहीं देखा। अरशद, बहुत से लोग जो बहुत अच्छा काम करते हैं स्क्रीन पे, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेके आते हैं जी। आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग कहाँ ली थी? नहीं ली थी मैंने, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इनफैक्ट मेरे ख्याल से किसी चीज़ की ट्रेनिंग नहीं ली। जो भी चीज़ मेरे ख्याल से जो कुछ मैंने किया है वो एक शौक था स्कूल में, तो वो बस, और हर वो चीज़ जो मेरे ख्याल से कि एक्टर की ज़रूरत होती है फिल्मों में इस वक्त, वो सारी चीज़ें मैंने एक्टिंग के अलावा छोड़ के, वो सारी चीज़ों की मैंने ऐसी शौकिया तौर पर करता था बस। उछल कूद, डांस करना, घोड़े चलाना और समोसॉल्ट्स मारना और जिमनास्टिक्स करना, एक शौक था बस। मतलब एकदम शरीफ खामोश किस्म के बच्चे थे आप? नहीं, इतना तो नहीं था। इंतहाई बदमाश किस्म के बच्चे? उतना भी नहीं था। पूछता हूँ कितने थे आप, आइए मुझे बताइए। आराम तस्वीर की, आराम तशरीफ की, आइए। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ। अरशद हमसे कह रहे थे कि मैं मतलब बहुत शरीफ भी नहीं था, बहुत शैतान भी नहीं था, बस बहसियत बच्चे के, मतलब बड़ा होके थे तब भी शैतान। जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा शैतान थे, इतने बदमाशियां इन्होंने की है कि बस। तो ये मतलब आप तीन भाई बहन हैं जिनमें ये सबसे छोटे थे जी, इसीलिए शायद इनको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। नहीं, इसलिए शौक से गया, ये शौक से गया। अच्छा, आप खुद शौक हो गया। और ये तब जब ये छोटे थे जी, क्या ऐसा लगता था कि ये बड़ा होके जो है कोई और काम वाम नहीं करने वाला, ये तो बहुत ही नाकारा किस्म का बच्चा, जरूर एक्टर बन जाएगा? नहीं, एक्टर तो नहीं, डांसर जरूर सोचते थे शुरू से सर। जी, बचपन से ही डांस बहुत अच्छा कर लेते थे, जिस गाने पे बोलो उस गाने पे, मतलब खुद अपनी मर्जी से। जी जी, मसलन हमको बताइए, क्योंकि कह रहे थे नहीं मैं ऐसी कोई बात नहीं करता था, नहीं, छोटी मोटी शरारत करता था। एक दफा मम्मी ने उठा के इसको चांटा मार दिया, बहुत बदमाशी कर रहा था चल, तो ये भाई घर से गुल हो गए। मम्मी परेशान, अब्बा परेशान, ढूंढ रहे सब जगह, क्योंकि ये जाली पे से चढ़ के ऊपर टेरेस पे बैठे हुए थे भाई। ये कुछ दोपहर की बात थी और शाम तक ये पता है बैठे हुए और सब देख रहे हैं। जब रात में ये उतर के आया तो मम्मी ने पूछा कहाँ गए, बोले ऊपर बैठा था, कि मैं ऊपर बैठ के देख रहा था आपको मुझसे कितना प्यार है। ये इस तरह हम देखते हैं कि जब ये ऊपर बैठा करते थे तब कैसे थे, याद है? वो भी है। हाय अर्शद, यार मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं तेरे साथ बैठूं वहाँ पर, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मैं वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ, और इतने कम वक्त में तेरे बारे में बताना नामुमकिन है। लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं तुझे याद दिला दूँ। एक तो तेरा आउटस्पोकन नेचर, जो तो बिल्कुल ही बिंदास बोल देता है, जो अंदर है वही बाहर है। एक हादसा याद है तेरे को, अपन जब गए थे वो नागपुर में रिश्तेदारों के यहाँ, और खाने में मिर्ची ज़्यादा हो गई थी, तो हम लोग तो खा रहे थे रो के आंसू निकाल के, and the way you got up and said ke abe yaar jab khane pe bulana nahi tha, khana khilana nahi tha, bulaye kyu? Are main bata, aur main to chahunga tu isi tarah rahe, aisa hi rahe। You're the best brother in the world, I love you,
and wish you all the best in whatever you do. Oh. आपने कहा कि इनके बोर्डिंग में जाने का फैसला इनका अपना था जी. हाँ, आप यहाँ एक मिनट तशरीफ रखें, मैं इस फैसले की जरा छानबीन करता हूँ. आप प्लीज एक मिनट तशरीफ रखें. आइए सर. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी टू सी यू. आई एम सो हैप्पी टू सी यू. टी द बेस्ट. आइए सर, आइए सर, बेस्ट. आइए टॉप सर. प्लीज सर, प्लीज. अच्छा, थॉप साहब का बाकायदा तारुफ जो है, बाकायदा परिचय आप करवाइए. ये हमारे उन क्या कहते हैं, गिने चुने जो होते हैं ना, आप जिंदगी भर स्कूल में बिताते हैं, और आपके एक जो स्टाफ होता है जो आपके जहन में रह जाता है, जो आप कभी भूल नहीं पाते, ये उनमें से एक है. मुझे याद है एक बार इन्होंने कहा था कि बंकिंग वंकिंग होती थी स्कूल में. हाँ. तो इन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा था कि देखो वारसी, तुमको बंक करना है करो, पकड़े मत जाना, अगर पकड़े जाओगे तो मुझसे मेरा कोई नहीं होगा. तो आई लव दैट, आई लव्ड, ही वाज इज द बेस्ट. लाइफ इज द मैन, इजंट इट, लाइफ इज लाइक दैट. ओके सर, सर हम थॉप साहब आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उस जमाने की जहां जहां ये पढ़ते थे, उस जगह की कुछ तस्वीरें देखते हैं. Friends are the family that we choose for ourselves, and the fact that after all these years we're still in each other's lives in so many ways says a great deal about who you are, and the fact that in spite of all the superstardom, the ups and downs, and all the other stuff that life doles at us, you haven't changed as a person. So all the best. We're all really proud of you, and keep up the good work. अच्छा, लेकिन ये स्कूल में जो है पढ़ाई में इन्होंने कहा ऐसा कोई ठीक ठाक ही था, लेकिन व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ द मैटर? द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज दैट ही वाज सो सो. ही वाज अ लवेबल रास्कल. ही यूज्ड टू कम टू माय प्लेस, हेलो सर एंड व्हाट्स इन योर फ्रिज. सो दैट वाज अ नॉर्मल थिंग ऑल ऑफ देम. एंड ही यूज्ड टू कम फॉर अ लॉट ऑफ टी पार्टीज. यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. वेलकम बैक वीडियो कॉन. जीना इसी का नाम है, मुलाकात हो रही है द ग्रेट अरशद वारसी ऑफ बांस स्कूल देवलाली फेम. अच्छा आप नौ, अरे एक बात तो मैं पता नहीं भूल गया, मैं ये बताऊंगा जरूर. हम ब्रेक में थॉप साहब से बात कर रहे थे, जब उन्होंने कहा वो टी पार्टीज के लिए हमारे घर पे आते थे. ऐसा जब टी पार्टी थॉप साहब उनको बुलाते हैं, उन्हें चाय खाइए बेटे, बिस्किट लो, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता था. इनकी पिटाई होती थी क्योंकि ये होमवर्क नहीं करते थे. तो ये बता रहा हूं थॉप साहब, आपने नौवीं क्लास में स्कूल छोड़ दी जी, ठीक है. फिर आप कहाँ गए? लौट गया बम्बई, प्राइवेट किया थोड़ा सा. अच्छा, उसके बाद ये वो दुनिया भर की चीज की, उसके बाद तंग आ गया. बेसिकली मुझे वो क्या कहते हैं, गेट ऑन विद लाइफ का बड़ा वो था. तो बस आई स्टार्टेड वर्किंग इमीडिएटली. तो वो उससे शुरू किया. फिर मैंने थोड़ी फोटोग्राफी की स्टिल, फिर उसके बाद डेवलपिंग प्रिंटिंग थोड़ी बहुत किया, फिर असिस्टेंट रहा थोड़ी देर के लिए, फिर कोरियोग्राफर डांसर बने. बेसिकली होता ना कि व्हाट एवर केम माय वे आई डिड. उस जमाने में आपकी मुलाकात एक बहुत दिलचस्प और बहुत टैलेंटेड इंसान से हुई. मैं चाहता हूँ वो उनको बुलाऊं और फिर उनसे बातें करें. प्लीज आइए. अरे मेरे लाल. आप अकबर साहब, बहुत शुक्रिया. तो आइए आइए सर, आइए. मैं तो कहूँगा अकबर काफी हद तक, रोना नहीं, काफी हद तक जिम्मेदार है मेरी जिंदगी के लिए. क्योंकि पहली बार अकबर ने मुझे पूछा था कि डांस, इसमें मुझे नाइट क्लब में देखा था कैवन में, मुझे डांस कर देगा. मैं पूछा कि शोज उस करोगे, हम लोग करते हैं सब. तो मैंने कहा नहीं यार, मुझसे ये नहीं होगा. फिर एक बार मैंने ऐसी चाके देखा, मैंने सत्या देखा, यार ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो जो मुझे पसंद है सब कुछ कर रहे हैं, ऊपर से पैसे भी मिल रहे हैं. इससे अच्छी नौकरी होनी चाहिए. वहाँ से फिर वो एक्चुअली बेसिकली जो मेरे ख्याल से शो बिज की जो शुरुआत हुई वो वहीं से हुई. अगर सब पहले पहले आपने पहले पहले अरशद को कब देखा? सत्यम हॉल पे आए थे ये. फिर तलत जानी एक थे हमारे दोस्त साहब, उन्होंने इनको लेके आया सत्यम हॉल पर. आई वॉज डूइंग अ शो एट दैट टाइम कॉल्ड द सन ऑफ बॉटम्स अप. ओह यस यस, बड़ा डबल कर शो. जी जी जी.
सो वहाँ पर ये आकर वहाँ पर रिहर्सल हुई और अर्शद गए और ही स्टार्टेड इमीडिएटली विदाउट इवन टेलिंग हिम व्हाट टू डू ही वाज डूइंग आई वाज वेरी एक्साइटेड नाउ सर यू ऑन बॉस जब जब मैं उस जमाने की एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ फिर हम बात करते हैं यहाँ अरे बाप रे जिसने भी ये फोटो दिया उसे अरे बाप रे नोटिस करो मैं बचपन से अजीब था तो ही वाज क्वाइट टैलेंटेड वेरी टैलेंटेड शर्मीला था थोड़ा रियली दैट्स अ रिवेलेशन एंड तस्नीम जी इज लाफिंग द लाउडेस्ट बहुत शर्मीला बच्चा था देयर अनदर पर्सन हु वांट्स टू से सम थिंग्स अबाउट यू जी जी लेट्स कॉल हिम तो बुला नहीं आइए लाइव वाले बड़े डर लगते हैं अरे बहुत पहलवान दो तीन प्लेज में डांसिंग किया उसने तो आई रियलाइज की कुडंट डांस वेरी वेल तो मैंने कहा डांसिंग छोड़ दो तुम कोरियोग्राफी शुरू कर दो तो उसने फिर कोरियोग्राफी शुरू की आई थिंक अबाउट चार प्लेज में उसने कोरियोग्राफी की Then I figured out he couldn't do choreography very well. तो मैंने कहा तुम कोरियोग्राफी छोड़ दो एक्टिंग शुरू करो तो उसने मेरे प्ले में एक्टिंग शुरू की आफ्टर अबाउट फोर प्लेज आई रियलाइज ही कुडंट एक्ट वेरी वेल तो मैंने कहा तुम्हें डांसिंग नहीं आती कोरियोग्राफी नहीं आती एक्टिंग नहीं आती तुम्हारे सामने एक ही रास्ता है हिंदी फिल्मों में जाओ तो ही जॉइंड हिंदी फिल्म्स एंड ही इज डन एक्सट्रीमली वेल फॉर हिमसेल्फ द मैन हैज नो फॉर्मल ट्रेनिंग बट ऐसा लगता है पूरी जान लगा के और उस वक्त पूरा फोकस करके भाई जो चीज़ कर रहा है उसको जी जान से कर रहा है ही इज अ नेचुरल एक आई मीन आई टेल यू वन थिंग वंस आई वाज डूइंग अ भांगड़ा तो मैंने कहा एक प्रोफेशनल ट्रूप को बुलाते हैं टू ट्रेन द डांसर्स बट ही सेड गिव मी अ चांस मुझे करने दो इफ यू डोंट लाइक व्हाट आई हैव डन उनको बुला लो एंड बिलीव मी ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब We'll talk about the cash later. okay, whilst we discuss cash, let's hear what they have to say. Oh God! Miss. Mama, I love you. Hi guys. Hi Arshad. Thank God, child. Arshad, man, I really miss you. Miss sitting out on the terrace with you guys in the night. And I wish you were here. You would have enjoyed this place like crazy. It's really bugging us that we are not there with you we guys. We wish we were there with you guys, just like the way you guys were with us. Ah, yeah. वेलकम बैक वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है अर्शद वारसी से मुलाकात हो रही है बातें हो रही है अच्छा भरत ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई इज अ नेचुरल जो भी करते हैं बहुत लग लिपट के करते हैं जी जान से करते हैं एक और चीज़ इन्होंने बहुत लग लिपट के जी जान से की सामने वाले के लिए कर रहा ये मैं उसका बयान नहीं कर सकता वो खुद आए बयान करें आइए Let me hold him. Hi, I'm absolutely fine. This is his favorite puppy, which is why. आप ये जो है इनको खुश करने के लिए लाई हैं या इनको जो है अपने बचाव के लिए लाई हैं क्योंकि इनका ठिकाना नहीं अर्शद का. No, actually, we have three dogs at home. Arshad very obviously loves him the most, which is why he is here today. Okay. Mr. Arshad Warsi, the great dancer. सबसे पहले कहाँ देखा? I first saw Arshad when I was taking part for a dance competition at the Malhar and Arshad was judging it. And that's the first time I he met was a Arshad. Judge, huh? Yeah. Okay. Yeah. Looking so, very serious. I know. So that's the first time I met Arshad. But you were you participating? Yeah. You were dancing? I was dancing okay. From my college. That's the first time I met him. और फिर ये इन्होंने आपको प्राइज वाइज देते हुए कहा कि आपका टेलीफोन नंबर क्या है नो ही डिडंट से दैट ही सेड यू नो यू आर रियली गुड आई लाइक टू जॉइन माय ग्रुप फिर आपने जॉइन कर लिया yeah. फिर आप लोगों का मिलना जुलना बढ़ता yeah. रहा और फिर इन्होंने कहा कि नाउ व्हाई डोंट यू जॉइन
my life since you have joined my dance group. No, actually, no. He took very long to say that. Oh, he did, huh? No, not very quick. Not very quick at that. No. But he said it first. Oh, yeah. He's a good guy behind all these masti and good all that guy. Kind of stuff. He makes his own chai in the morning. How can you get better than that? Yeah. I tell you. He cooks amazing. I am the best housewife in the world. Okay. Let me find out whether all this is true. Let me hear somebody else who knows you a little better. Come on here. Hey, Arshad. Well, first of all, I want to apologize for not being on the show because I don't want to have my baby on your set. Well, Arshad, you're a fabulous brother-in-law. I just want to tell you that. And I couldn't ask for better. Stay the way you are. And don't ever change, Arshad. All the best. That's it. Take care. Thank you. God, I wouldn't marry me. You don't have to agree. Arshad, आपकी शादी को कितने साल हो गए? पाँच साल हो गए. आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं. मैं बिल्कुल बहुत खुश हूँ. और बिसाइड दैट एक्टर अच्छा हूँ. मरियत, अगर एकदम सच्ची बात बोलना, व्हाट इज द वन थिंग दैट यू हेट मोस्ट अबाउट अर्शद? हिज स्मोकिंग इन द हाउस. या हिज स्मोकिंग इन जनरल, आई डोंट लाइक दैट. अदर देन दैट, ही इज अ वंडरफुल हस्बैंड, वेरी वेरी केयरिंग. For every Valentine's Day, which is also our anniversary. Oh, okay. Yeah, he actually sits and writes me a letter. I generally, I mean, I prefer something that comes from the heart than just going to a shop and buying something. A card. If you would find place for Daz and for yourself, then I'd like to call somebody else. Sure. Okay. It seems reasonably comfortable. Please, aaiye, tashreef laiye. Hi, mini, 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 mini. My God. Finally, I have a Maria and I were MTV colleagues. Correct. And yeah, the first, I can very safely say that Maria and Arshad were the first ever two people in that opened their hearts, their house, and their lives open to me. And they are two very, very strong reasons that I feel very home at Bombay. Main Delhi mein rehti hu, rehti thi, and I moved to Bombay when I joined MTV as when Maria was already. Which is now Mumbai. Which is now Mumbai. But these two people really made it very easy for me. And I remember pehli baar main jab I was uncomfortable, I'd just taken a new house, and Arshad then Maria called me and they said, ghar aa jao. ऐसे ही हम ही लोग हैं, बस बैठ रहे हैं, दो चार दोस्त हैं, व्हाई डोंट यू कम होम. सो आई सेड ठीक है. सो आई वेंट इन माय चप्पल एंड माय पजामा. दो चार लोग बैठ रहे हैं घर पे. उनका घर उस वक्त इनके पास एक, अब इनके पास जो मैंशन है उससे थोड़ा छोटा 1 BHK का घर होता था. उसमें कम से कम, आई एम नॉट जोकिंग, 80 लोग बैठे हुए थे उस वक्त. इट इज द फर्स्ट हाउस आई हैव सीन व्हिच वाज पैक्ड विद एवरी स्क्वायर इंच ऑफ प्योर पीपल. All of them were his friends and those were his few friends. So ab jab Arshad bolta hai ki aa jao, kuch dost aaye hue hain, seedha azad nazar jana padega. To aap taiyar ho ke acche se jaiye jahan par ye bolenge ki aaj main apni biryani bana raha hu bas do logon ke liye, to wo biryani banegi 200 logon ke liye aur 100 log to definitely use khayenge. Acha Arshad sahab ji, aapki biryani ki dhoom hum aur bachayi hai. Acha, what do you do when you get in trouble? Let me ask this person. Police. This is my soulmate. Adab, adab, please. This is my soulmate. Okay, please introduce. ये तो बाद में देखूँगा. Your soulmate to us. This is Ma Prem Ritambara. Of course, we know that. Yeah. Ritambara for me, and she's like the guiding light. Anything I want to know, किसी किस्म की तकलीफ, दिमागी, जो भी है, professional, जो भी है, बिल्कुल. No. I'm just his friend. अच्छा, when did you first meet? I met him in Sri Lanka. I was working with Maria for the cricket, ICC cricket. Oh, there. yeah, okay. And he'd come there to see Maria. So that's when we met. Okay. It's family. It's been family for Maria and for
अर्शद मैं बताऊं मैंने मुन्ना भाई जब की बात हुई थी तो मैं जा रहा था मिलने विनोद चोपड़ा से उस वक्त इनका फ़ोन आया मुझे और मुझे इन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ एक फिल्म की बात है एंड आई वोंट बी डूइंग इट बिकॉज कुछ है नहीं तो इसे उन्होंने पूछा कि क्या शी इज़ अ टैरो रीडर ओह या वी वी रीडर ओके सो उन्होंने पूछा कि कौन है फिल्म में तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था मैंने कहा कि विधु विनोद चोपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं संजय दत्त हीरो है और उन्होंने मुझे बोला कि डेफिनेटली डू द फिल्म इट विल बेनिफिट यू इट बी गुड फॉर यू मैं वहाँ पे गया मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि कर लो यार यू सी द रिजल्ट एंड शी डिड टेल मी द फेट ऑफ मुन्ना भाई वेल बिफोर आई इवन हैड माय फर्स्ट मीटिंग होता ना कि शी मीन्स अ लॉट टू मी दैट इज व्हाट इट इज शो में आने से पहले आपने नहीं नहीं यहाँ पे तो मुझे मैं तो ज़बा होने आया था आ गया हूँ वेलकम बैक वीडियो कॉन जीना इसी का नाम है मैं अरशद वारसी साहब मास्टर शेफ बिरयानी स्पेशलिस्ट अरशद वारसी साहब से बातें हो रही है अच्छा अरशद आप मतलब हर जगह जाते थे थोड़ा डांस करते थे थोड़ा कोरियोग्राफी करते थे आपने किसको बिरयानी खिलाई कि आपको फिल्मों में भी काम मिले जॉय अगस्टिन को जॉय अगस्टिन को मेरे एक दोस्त ने जॉय को कहा कि लाइक हम लोग दोनों एक जैसे दिखते हैं खैर वो आए वहाँ पे और उन्होंने मुझे देखा किस तरह मैं सबसे सबको एंटरटेन कर रहा हूँ वो सब हादसे के बाद उन्होंने मुझे दूसरे दिन फ़ोन किया और कहा कि वो ABCL के लिए फिल्म बना रहे हैं और तुम काम करोगे तो पहले मेरे मुंह से निकल गया कि रात की उतरी नहीं क्या तो फिर मुझे पता चला कि वो शराब ही नहीं पीते मैं बड़ा करना भी चाहता था और डर भी बहुत रहा था बहुत सारी थी लेकिन फिर फाइनली होता ना जो कुदरत को मंजूर है वही होता है तो फाइनली हो गया Let's have Mr. Joy. Oh, there we go. Okay. एक और आदमी तो मुझे झेल चुका है ओह जलील जलील अल जलील ओ जी बाजी में आदा आई 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 मिस्टर आप यहां जब पहली बार आप अरशद द ग्रेट वारसी से मिले बिरयानी मेकर तो व्हाट वाज योर इंप्रेशन कि ये आदमी किस किस्म का बच्चा किस किस्म का बच्चा है एक्चुअली मैं बिरयानी खाने गया हां और बकरा मिल गया नो आई थॉट ही वाज फैंटास्टिक ही वाज सो स्पोंटेनियस एंड ही वाज सो फुल ऑफ लाइफ एंड आई सेड दिस इज माय कैरेक्टर वी टुक हिम टू बैंडस्टैंड एंड शॉट फोटोग्राफ्स विद हिम यू नो उन तस्वीरों का क्या किया भेज दिया जय जी को जय जी को जी तो उन्होंने कहा यार बेचारे कितने मेहनती लोग हैं जॉय को पूरी उम्मीद थी कि आई विल बी सिलेक्टेड और मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी क्यों उम्मीद नहीं थी क्योंकि एक होता ना दिमाग में एक होता है कि हीरो जो होता है जो फिल्म में जो काम करते हैं वो एक ऐसे होते हैं और वैसे होते हैं फिर पता चला कि ऐसे वैसे होते हैं पता नहीं कैसे कैसे होते यहाँ देखते हैं कैसे होते अर्शद आपने जो मुन्ना भाई में काम किया उससे मुझे बहुत खुशी हुई मैं जानती थी कि आप हमेशा तरक्की करेंगे मुझे यकीन था कि आप ज़रूर ज़रूर आपको मौका मिलेगा और आप ज़रूर अपना काम करके दिखाएंगे गॉड ब्लेस यू लव यू एंड विश यू टन्स एंड टन्स ऑफ सक्सेस जब इन्होंने काम करना शुरू किया So was he like very camera friendly, very relaxed, very easy? I think the first take was 21 takes, you know, and I was shocked. He's wonderful to work with. Amitabh, आपने इनका इनका परिचय करवाया था ना? जी परिचय मैंने नहीं करवाया था परिचय इन्होंने खुद ने तलाश लिया इसको and I was actually jealous because he was casting at that time for Balu the character and थ्री नाइट्स इन अ रो वी वेंट देयर और तीसरी रात को करीब 3 बजे रात को हम नीचे उतरे जॉय मुझे कहता है अरशद फॉर बालू एंड आई वाज सो जेलस कि मेरा दोस्त है मैंने कैसे नहीं सोचा ये आपने तो खैर इन्होंने तो कहा इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू एक और शख्सियत है जिससे पूछना पड़ेगा कि भाई वाज इट अ प्लेजर वर्किंग विद यू आइए प्लीज आइए दे दे हाय हाउ आर यू माय गॉड हाउ आर यू हाउ गुड टू सी यू बड़ी शरीफ है आदाब या हाउ आर यू हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद
the Arshad Warsi. He was the last riot on the sets and off the sets. And हम लोग तीन नए थे इकट्ठे फिल्म के अंदर तो हम अपने आप को तीन मस्कीटियर्स कहते थे सो टू स्पीक आपको मालूम है एक सीन है हमने किया था जिसमें सडनली डिसाइड हुआ था वो ये घर छोड़ के जा रहे हैं और ये आके बाय कहते हैं मदर को सो ही सेज नाउ आई गेट अ चांस टू किस द गर्ल सो ही सेज हटो अपा एंड ही गिव्स मी अ किस बिफोर गोइंग यू नो यू हैव टू गिव अ सीरियस एक्सप्रेशन While he gets, he does that, and it was really hilarious because ऐसे छोटी-छोटी चीजें इतनी हुई जो इनकी ज़िंदगी की एक मेजर मुराद जो है उस सीन में पूरी हुई धक्का मार के घुस गया एक और जगह आपने जगह बनाई थी हम जरा देखें उसके बारे में वो बात करते हैं साहब ओए वारसी as far as work goes I think I you know thank you very much for trusting me during the making of the film you did trust me a hell of a lot I don't know if I lived up to that or not but at least we made a movie and we got it out and I liked everything about it. I have very good memories actually right from the start. From the point where I had kind of reluctantly come in to meet you and within 5 minutes stopped the story to say, "Kito kar le." And I think it's been good knowing you. Apology, I'm saying sorry because I wish I was there with you right now, man. The fair shine on. How do you rate Arshad as an actor? He's so spontaneous कि आप इन्हें कभी किसी दायरे में नहीं बंद कर सकते यू कैन नॉट से कि अरशद यहाँ चलना है इस लाइन पे चल के दिखाओ ही विल सडनली डू अ समरसॉल्ट ओवर देयर ही इज टेरिफिक ही इज रियली गुड एज एन एक्टर सो स्पॉन्टेनियस जो उस वक्त सूझा उस वक्त बस जो आया बस वो कर दिया आई लाइक हर वेरी मच ये आपकी आंखों में आंखें डाल के कहेंगे कि ये चीज नहीं मैं बिल्कुल नहीं करूँगा मैंने छोड़ दिया और मैं इनकी बात मानती थी आई मीन इफ इट्स नाइविटी इट वॉज द हाइट ऑफ नाइविटी वेलकम बैक हम बातें कर रहे हैं सच्चे शरीफ मासूम भोले भाले अरशद वारसी से लुक एट व्हाट दिस वेरी गुड लुकिंग लेडी हैज टू से अबाउट यू आई नो गुड लुक हाय अरशद आई जस्ट वांटेड टू से दैट आई एम रियली सॉरी आई कांट बी देयर फॉर योर शो टुनाइट बट आई एम अ लिटिल कॉट अप विद वर्क बट आई जस्ट वांटेड टू से दैट यू नो आई हैड अ ब्लास्ट शूटिंग विद यू द टू फिल्म्स दैट आई डिड आई जस्ट वांटेड टू से दैट यू नो आई सॉ मुन्ना भाई एंड आई थॉट यू वर ब्रिलियंट इन इट And somewhere I'd like to say with your hard work and perseverance, you know, it wasn't too long before you got your due and I think you have now and wishing you all the very best from the wishing you all the very best from the bottom of my heart. Thank you, thank you. Aapka kaam Munna bhai MBBS mein sir. Top grade. Thank you. Top thank you. Thank you. Thank you. और ये बात मैं और आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इसको मैं दोहराना चाहता हूँ लेकिन वो साहब एक बार आ जाए स्टेज पे फिर हम मिल के दोहराते हैं आइए प्लीज सारी मेहरबानी आदाब आदाब हाउ आर यू नाइस टू हैव यू बैक हाउ डिड यू गेट टू कास्ट हिम एज सी ही एक्चुअली केम इन जस्ट वीक बिफोर द शूट और एक बात शायद इन्हें भी नहीं मालूम है बताना चाहूँगा अभी कि जब ओरिजिनल कास्टिंग हो रही थी तो बहुत सारे हर कैरेक्टर के अगेंस्ट 8-10 नाम थे कि ये नहीं तो ये नहीं तो इनका नाम मुन्ना भाई के कैरेक्टर के नीचे कहीं लिखा हुआ था तो मैं सारे लिस्टें निकाल के देख रहा था तो मैंने कहा ये नाम मैं पूछता हूँ इससे आई वॉज श्योर वेदर ही डू इट सो आई जस्ट कॉल्ड हिम एंड ही केम एंड ही सेड ओके जस्ट टेल मी वन थिंग if you were me would you do this role so maine kaha behchak kar lo vinod ne bhi kaha ki behchak kar lo and that's how he got to do this film and then he's created magic after that naam jo inhone aapne jo bhi dekha abhi jaise usse wo chili chicken kaha inhone ji 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 wo ye script mein kabhi nahi tha ye inko shayad naam ke against kuch hai uska during the shoot ये किसी कैरेक्टर को उस नाम से नहीं बुलाते थे उन्होंने कहा मैं सबको अलग नाम से बुलाऊंगा वो डॉक्टर को देखते थे डिस्पेंसरी बुलाते थे चाइनीज को देख के हक्का नूडल्स बुलाते थे तो समहाउ दैट वर्क्ड एंड आई जस्ट थॉट इट विल बी इंटरेस्टिंग अच्छा ये ओह गॉड भाई कोई आपसे आपके बारे में बल्कि आपके लिए एक तोहफा देना चाहता है तोहफा मैं कौन होता हूं जो तोहफे और आपके बीच में अरे बाप रे बमन बमन अ
अब ये लेके तो आप सीधा जो है कैलाश पर्वत की तरफ निकल जाइए और रास्ते में आपको ये मिलने वाले हैं। आइए सर। आप जो इनको कैलाश पर्वत जाने का जो एक सिंबल भेज रहे थे, इसका राज क्या है? अभी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया मुझे कि त्रिशूल देख के बोला बमन बमन, तो माइट एज वेल ही ओनली टेल यू द स्टोरी। भाई ये क्या है भाई? बमन के होठ में निशान है अभी। हल्का सा। मैं एक बोल लेता हूँ। मेरी आई हैड डन अ प्ले, माई फर्स्ट प्ले रोशनी, और अरशद वॉज द कोरियोग्राफर और he was playing the devil or he used to use this trishul dance mein bahut hi acha dance tha wo beach dance mein wings mein phekte the ye aur unke trishul ko aur unke assistant used to grab it first time in my life I am acting aur main safed kurta mein politician ka role kar raha tha safed kurta mein topi opi pehen ke main se khada tha I was praying to the lord and the devil sent the trishul और वो असिस्टेंट जो था वो कहीं फ्लड करने चले गया होगा और अरशद डांस किया जस्ट थ्रू इट लाइक दैट एंड इट केम एंड हिट मी और नल खून का इट वाज आई एम ब्लीडिंग इट्स ऑल ओवर द प्लेस वो जो स्टेज मैनेजर थे कुछ ओडोकोलोन दवा दिए आई वाज स्क्रीमिंग माय हेड ऑफ ओवर देयर एंड अरशद एनी टाइम मुझे कुछ भी काम करवाना है अरशद से और वो इफ ही इज नॉट रेडी टू डू इट आई से अरशद फर्स्ट हिंदी फिल्म दैट आई साइन एंड गेस हू इज इन द फिल्म विद मी इट इज सच अ ग्रेट इमोशनल फीलिंग टू नो दैट यू नो दिस इज अरशद सो वंडरफुल मैन It had to be the film with Arshad. Yeah. There is another person who is also a very good actor. He wants to say something about you. Hi Arshad, how are you buddy? Hi, I'm dude. Sorry I couldn't be there on the show. You know what, 2 days ago I was watching Munna Bhai MBBS and I sent you a message and you didn't reply back buddy. Anyway, I just want to tell you one thing, I think you are one of the finest actors I've worked with. I really had a blast doing Munna Bhai with you. And you know, I keep telling everybody about this. Remember this? I do it right now, huh? Thanks to you, buddy. And you are in for trouble, my friend, because your son or your daughter is going to be born on the 29th of July. That's my birthday, and I was a pest for my parents. I'll tell you that. Anyway, you have a great time. Have a great year. Love you always. And anything I can do, I'm always there. You know that. Just a phone call away. ओके सर्किट बोले तो वाओ इज अनदर वेरी गुड वेरी गुड एंड अ वेरी आई प्रोबब्ली वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू व्हाट आई डिड अगर संजू जैसा स्टार नहीं होता बिकॉज़ लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी इज नॉट देयर कॉन्फिडेंट ऑफ हिज वर्क ही डजंट इंटरफेयर इन एनी अदर फील्ड ऑफ स्फीयर ऑफ एक्टिंग ऑफ फिल्म मेकिंग ही डज हिज जॉब गोस होम doesn't have anybody that's really nice about and to thank me for teaching ha ye kya ye kya ye kya kisa tha ye kya mere paas ye ek bal wo trishul the same thing bachpan se ye main bata raha tha ha ji raju sahab ka bata इनका कॉस्ट्यूम टेस्ट हो रहा था इनके घर पे और वो वीडियो पे मैंने देखा है हाथ में चाकू लेके कुछ कर रहे थे और मैसेज मेरे साथ भेजा कि ये एक स्पेशल चाकू है जो ऐसे खुलता है ऐसे बंद होता है इसको मैं फिल्म में यूज कर सकता हूँ तो अच्छा लगा मैंने कहा यूज कर लो मुझे लगा एक एलिमेंट होगा मगर वो शूट पे वो इतना बड़ा एलिमेंट हो गया कि ये शूट पे लेके आके दिन भर ऐसे बैठे रहते और फिर संजू ने लेना शुरू किया बोले मुझे सिखाओ इट्स नॉट सो इजी टू डू इट फिर वो ऐसे घुमाना उनको सिखाया फिर हर आदमी यूनिट में सब सीखना चाहता था तो यूनिट में ही होता था पूरा आप शूट कर रहे हो और पीछे से आवाज आती थी टक 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 बमन डज इट वेरी वेल होल डे 8 आवर्स दे वर जस्ट डूइंग दिस अच्छा सर आप तशरीफ रखें सर आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ अगर आपका होठ दिखाना पड़े तो काम में आएगा प्लीज बैठे आइए राजू वुड यू लाइक टू टेक दैट विद यू अच्छा सर अरशद साहब जी अब दो में से एक चीज की फरमाइश आप मेरी पूरी करें वरना मैं बमन से कहूँगा कि ऐसा करें या तो आप हमको बिरयानी अब्बी खिला दें और या फिर बहुत लोग जो है आपकी डांसिंग की तारीफ करते हैं तो एक छोटा सा
company. Wish you all, wish you all. You will dance with me. जाते जाते आपकी एक और आखिरी तारीफ कर दो जी बिल्कुल बिल्कुल अपनी बिरयानी पक्की कर रहा हूं आप भरत ने एक बार अच्छी बात कही थी कि ही इज अ नेचुरल आई थिंक ही इज नेचुरली गुड ही इज नेचुरली ग्रेट फन टू हैव एंड आई नेचुरली एक्सपेक्ट वी ऑल नेचुरली एक्सपेक्ट दैट वी विल सी ग्रेट थिंग्स फ्रॉम दिस वेरी वेरी टैलेंटेड मैन ग्रेट प्लेजर हैविंग यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्लेजर बीइंग हियर प्लेजर बीइंग हियर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है ऐसे ही किसी मजेदार शख्स के साथ तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं अलावर से फैंटेसी थी कि ये किरण खेर अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो क्या क्या हो सकता है